आप दिन में रहते हो जी सर, आपको मैं बताया हूँ बार बार के ड्यूटी रजिस्टर बनाए हो जी सर, ट्रेनिंग रजिस्टर बनाए हो जी सर, विजिटर रजिस्टर बनाए हो जी सर, की रजिस्टर बनाए हो सर, की रजिस्टर चावियों का रजिस्टर नहीं सर, वो बना लेना चावी का रजिस्टर। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई रजिस्टर मिलता है आपको तो उसके ऊपर कवर लगाओ, पहले बढ़िया सा पेपर लगाओ, कवर लगाओ और सफ़ेद पेपर काट के उसके ऊपर चिपकाओ कि ये ड्यूटी रजिस्टर है, ये ट्रेनिंग रजिस्टर है, ये विजिटर रजिस्टर है, ये की रजिस्टर है, ये मटेरियल आउटगोइंग रजिस्टर है, ये रिपोर्टिंग रजिस्टर है, ये घटना दुर्घटना रजिस्टर है, ये सरप्राइज चेकिंग रजिस्टर है। ये आपको हर रजिस्टर का कवर लगा के बढ़िया सा ऊपर में वाइट पेपर में आपको लिखना है, ताकि ऐसा लगे कि आपके डॉक्यूमेंट बढ़िया सा रखना है। डॉक्यूमेंटों का और रजिस्टरों का रख रखाव बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। रजिस्टर में पेपर का फाड़ना गलत है, रजिस्टर के अंदर कटकुट करना गलत है, रजिस्टर के अंदर बढ़िया सा लिखना है ताकि सामने वाले को पता लगे कि आपने क्या लिखा है। इस बात का ध्यान रखें, अपने कर्तव्य के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान कोई भी सिक्योरिटी गार्ड, रजिस्टरों का डे हो या नाइट हो, रजिस्टरों का रख रखाव बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। कभी भी रजिस्टर चेक हो सकते हैं, अगर जिसकी ड्यूटी है उसने रजिस्टरों के अंदर देखना है और चार्ज सही सलामत लेना है, रजिस्टर में देखना है कि नाइट में क्या लिखा हुआ है, लिखा किन लिखा। जैसे कल ऑटो रिक्शा वाला चोरी किया जी सर, किया जी सर, तो आपने उसका रजिस्टर में मेंटेन किया जी सर, वेरी गुड। जब भी कोई घटना या दुर्घटना घटती है ना, तो उस रजिस्टर में लिखना है, जैसे चोरी हो गई, तोड़फोड़ हो गई, मारपीट हो गई, तो ये कायमी लिखना घटना दुर्घटना रजिस्टर में, है ना। घटना घटी ना, चोरी हो गई, चोरी हो रही थी ना जी सर, ऑटो में सामान जा रहा था ना, तो आपने उसको तुरंत क्विक एक्शन आपको आपने उसको पकड़ा है जी सर। तो इसी तरह से आपको ऑटो रिक्शा वाले को हमेशा या तो अंदर मत छोड़ो, या तो अंदर से बाहर जाता है तो उसको प्रॉपर तरीके से चेक करो, डरना नहीं। नहीं सर। आपको मैंने बोल दिया है कि सबसे पहले मुझे फ़ोन करो, आप अगर आपको डर लगता है, आप अगर डरते हो, चोर को पकड़ते हो, और वो चाहे भिंडी बाजार का हो या सचिन का हो, कहीं का भी चोर हो, मैं मुझे फ़ोन करो आप, मैं आपके पास अगर नज़दीक में हूँ तो आपके पास अवश्य आऊँगा, लेकिन आप मुझे फ़ोन करो तो मैं आपकी सहायता करूँगा। लेकिन आपको डरना नहीं है, मारपीट नहीं करना, लड़ी झगड़ा नहीं करना, उसको रोक के रखना बातों बातों में, और मुझे एक कॉल करते रहना चुपचाप। जैसे ही मैं कॉल उठाया, बोलना सर आप डायमंड इको पार्क में आइए ना सर, जरा एक घटना घटी है। मैं अगर दूर में रहूँगा तो मना कर दूँगा, और नज़दीक में रहूँगा तो आपको बोलूँगा कि मैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में आ रहा हूँ, है कि नहीं। लेकिन आपको डरना नहीं, अगर ऐसी कोई अगर आपको मारपीट करता है तो आप उसका मोबाइल नंबर या उसका फ़ोटो निकाल के रखना आपके मोबाइल के अंदर, तो हम उसके ऊपर एक्शन और कानूनी कार्रवाई पुलिस को बताएंगे। लेकिन आपको कोई भी चोट या नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी ड्यूटी के अंदर आपको कुछ भी हो सकता है, ये डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम है नम्रता और प्रेम से बात करना है। आपको भी मालूम है कि यहाँ पर जो सुपरवाइजिंग जो ऑफिसर है अमित जी, उनको भी आप तुरंत तो फ़ोन कर सकते हैं, है कि नहीं, उनका भी सहारा ले सकते हैं आप, है कि नहीं। इस बात का ध्यान रखें और अपनी ड्यूटी को ईमानदारी और वफादारी और जवाबदारी से निभाएं।